गोविंद सागर झील से सटी ग्राम पंचायत नकराणा की हरिजन बस्ती करेल गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए एकमात्र सहारा बावड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी का इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी उनको पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। उन्होंने बताया कि सरकार ने हर घर को नल लगाने की बात कही थी, लेकिन वो सारे हवा हवाई से धो रहे हैं। ग्रामीण लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा हर घर नल की स्कीम तो कुछ घरों को ही दी गई है और पाइपलाइन भी जोड़ी गई है, लेकिन उसमें काफी महीनों से पानी नहीं आ रहा। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मियों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। जब ये बावड़ी सूख जाती है तो ग्रामीणों ने लोगों को गोविंद सागर झील से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है और पानी न होने की वजह से सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान भी पूरी तरह से असफल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बारे में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को कई बार मौखिक और लिखित रूप और सरकार की हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी समस्या का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो वे लोग आंदोलन की राह पकड़ लेंगे और जल शक्ति विभाग के कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और विभाग की होगी। क्या प्रॉब्लम? पानी दी प्रॉब्लम है जी। सन कहां से लाते आप? बॉडी से लेंदे जी। अच्छा। जी बोलिया जी वो गाला कर दे सानू नाले साडी गल लड़ दे। अच्छा। जी साडी ड्यूटी नहीं है। मैं गांव नकराणा का स्थायी निवासी हूं। हमारे गांव में पूरी पंचायत में ही पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और हमने विभाग के पास भी कई बार रिपोर्ट की है, लेकिन विभाग का आदमी भी कोई भी आदमी यहां हमारी सुनवाई नहीं करता है। तो हमने 1100 नंबर पर भी कई बार कॉल की है, लेकिन उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। हमारी सरकार से और विभाग से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारे पानी की समस्या का समाधान किया जाए। आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे, सड़क रोकेंगे। 70 साल की मेरी उम्र है और मतलब 70 साल से लेके आज दिन तक का है सोचा है। जैसे राजा ने राज थे ना जी, आज भी सही है। क्यों पे गरीब आदमी ने नावा ते स्कीम सरकार बहुत बनावा है, मिलता मौके पर कुछ नहीं है। इस करके हमारा ही बोलना भी बूटा खातर सरकार आई है, मैं देने खातर कुछ नहीं आती।